नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो आज की वीडियो एक छोटी वीडियो है और सोचा चलो लोगों को बताना जरूरी लगा शायद मेरे को कि आप लोगों को बता दे कि बरसात के सीज़न में आप अपने गार्डन की केयर कैसे करें। खासकर जिन्होंने ज़मीन पे लगाया है अपने प्लांट वगैरह फूल वगैरह उनके लिए तो शायद ये वीडियो है नहीं, मगर जिन्होंने गमलों में अपना रख रखा तो उनके लिए ये वीडियो खास है। क्योंकि बरसात एक ऐसा सीज़न है जिसमें हमारे प्लांट ग्रो तो बहुत जल्दी करते हैं और उनकी जो फूल देने के लिए जो हम प्लांट तैयार करते हैं, कटिंग प्लांट तैयार करते हैं, वो सब एकदम रेडी तो होते हैं जल्दी से, मगर यही वो सीज़न है जब हमारे प्लांट सबसे ज़्यादा ख़त्म भी होते हैं। और क्योंकि उसके लिए दो तीन कारण हैं, उन दो तीन कारणों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो बरसात के सीज़न में क्या है कि जो आपके प्लांट है, जो गमले वाले प्लांट है, अगर आपके प्लांट बाहर रखे हुए उनके तो आप नहीं कर सकते कुछ, जो आपके ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर अगर आपके पौधे गमले में हैं तो आप उन गमलों को कोशिश करिए कि जो हार्ट प्लांट है, जो आपके नॉर्मल प्लांट है, हार्ट प्लांट है, जैसे आप ये अल्मांडा को बाहर रख सकते हैं। और आप ये आपका डेलिया ये बाहर रख सकते हैं, मगर चांसेस रहता है कि इसके पत्ते सड़ने लग जाते हैं। और कभी कभी अगर आपकी वाटर ड्रेनेज ठीक नहीं है तो इस टाइप से आपके पत्ते सूखेंगे, सड़ेंगे, तो ये चीज़ें होती है, तो उनको केयर करना पड़ता है। और मेन जो प्रॉब्लम है खासकर जो पौधों में आमतौर पे होता है, मैंने देखा है, एक तो घास ज़्यादा होते हैं और उन घासों को निकालते रहिए, और दूसरा क्या है कि आपके जो पौधे हैं, हार्ट प्लांट जो हैं, वो तो ग्रो करेंगे अच्छा, मगर आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी का ड्रेनेज जो आपके गमलों में लगाए हुए उन गमलों के जो पानी का जो ड्रेनेज है उसको आप पक्का चेक करिए। अगर बात करें गुलदाउदी को आप बाहर रख सकते हैं, मगर आपका पानी का ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। और ये गर्मी वाले फूल है, इसकी भी ड्रेनेज ठीक होनी चाहिए। गुड़हल को आप बाहर रख सकते हैं और गुलाब को बाहर रख सकते हैं। तो बहुत प्लांट है जो हार्डी प्लांट है, और ख़ासकर जो अडेनियम, बात करेंगे अडेनियम की, तो अडेनियम को भी आप बाहर रख सकते हैं। क्योंकि अडेनियम का जो सोर्स होता है, जो उसकी सॉइल मीडिया होती है, वो तकरीबन आपकी रेतीली होती है और रेत में ही लगता है और अडेनियम, तो इसको आप बाहर रख सकते हैं। क्योंकि अडेनियम रेत में लगा होने के कारण इसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है और पानी अच्छी तरह से निकल जाता है। मगर खासकर और प्लांट होंगे जिनमें आपके पानी का जमा हो जाता है, जैसे इसमें ये पानी आप देखेंगे, देखिए पानी, ये कल रात को बारिश हुई थी और पानी जमा है। इस टाइप के प्लांट का आपको, ये जेरेनियम है, तो इस टाइप का अगर आपके पानी रुक रहे हैं तो उस पानी का जो पासेज है, गमले से जो गमलों का पासेज है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश करिए पानी जमा ना हो। खास जिस ये गुल मेहंदी टाइप के प्लांट होते हैं, जो इस टाइप के जो प्लांट है गुल मेहंदी, और ख़ासकर जो हमारे कैक्टस की प्रजातियाँ हैं, और अगर बात करेंगे हम कि हमारे सकुलेंट प्लांट, तो सकुलेंट प्लांट भी ग्रो तो अच्छा करता है, मगर अगर आपकी वाटर ड्रेनेज ठीक है तो ही इन प्लांटों का आप बाहर रखिए। जैसे गुल मेहंदी का प्लांट है, इसे पानी तो चाहिए, मगर अगर वाटर ड्रेनेज ठीक नहीं है तो सड़न पैदा करता है प्लांट को और आपके प्लांट गल जाते हैं। तो आप जो भी फ्लावर आपके गमलों में हैं, चाहे वो हार्ट प्लांट क्यों ना है, तो आपको कोशिश करनी है कि उन प्लांटों को, गमले में हैं तो उनको आपको सेमी शेड एरिया में रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पानी नहीं देना है बरसात का, पानी दीजिए बरसात का, पर वीकली एक बार रखिए। जैसे कि ये गुलदाउदी का प्लांट है और पानी देखिए रुक गया था इसका, तो ये जो पेड़ पूरा है आप देखेंगे, ये देखिए पूरा पेड़, इसके पेड़ सड़ने लग गए हैं। तो अभी मैंने इसको
गमला ज़्यादा होने का नतीजा ये भी रहता है कि आप हर प्लांट को केयर नहीं कर पाते, देखभाल नहीं कर पाते, पूरी जगह नहीं पहुंच पाते। तो इस टाइप के प्लांट को आप बाहर रख सकते हैं, मगर इस टाइप के प्लांट जो होंगे उन्हें आप रख लीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। खासकर ये देखिए जेरेनियम में बारिश हमारे उत्तराखंड में बहुत है, और ये आपका बोगनवेलिया है, इस टाइप के प्लांट रख लीजिए। मगर प्लांट आपके जो भी रहेंगे उन प्लांटों को आप कोशिश करिए कि सेमी शेड एरिया में रखें। अगर आपके प्लांट सेमी शेड एरिया में ना हो तो उन प्लांटों को आपका वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम है आपका वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्लांट से जो पानी, जो बरसात का पानी जो आपके गमलों में आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, जैसे भी आता है, तो आपने उनके वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको आप बिल्कुल अच्छा रखिए, तो आपके प्लांट सड़ेंगे गलेंगे नहीं। और जो प्लांट आप अगर सेमी शेड एरिया में रखते हैं उन प्लांटों को कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार कम से कम जो आप पानी देते हैं वो बरसात का पानी देने की कोशिश करिए। तो एक छोटी सी टिप्स थी और मुझे लगा कि शायद लोगों को बताना चाहिए, तो बता दिया मैंने अपनी बात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलता हूँ ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए। और अगली वीडियो एक बेल वाले प्लांट के ऊपर बनाने वाला हूँ जल्दी, तो मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।